सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ इसका 98 के एक के अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो। इसमें आपको मिल रहा है ये कार 98 का मेन गन, एक ग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, एक फ्यूल के लिए टैंक के टाइप का कुछ जिसमें आपके बुलेट्स रहेंगे। ये रहा इसका बाइपॉड, ये है इसका वो सप्रेसर, ये रहा उसका मैगजीन, ये है उसका स्कोप, और यह है सबसे स्पेशल इधर स्कोप और पेन। चल मैं आपको इसका बैक व्यू भी दिखा देता हूँ। सो इसका बैक व्यू बहुत शानदार है, इससे ये बुलेट्स निकलते हैं, बट मेरे पास ये बुलेट्स बहुत बड़े हैं साइज में, इसलिए मैं इस बुलेट्स को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं बीबी बुलेट्स के साथ आपको ये दिखाने जा रहा हूँ। इसमें एक गन का नाम आपको दिखेगा और ये चाइनीज में है, मैं बता नहीं सकता ये क्या है। और इसमें स्कोप उल्टा लगता है, 14 प्लस एज के लिए है, 8x स्कोप है शायद, ये कहना चाहता है क्योंकि ये स्कोप 8x है। सो लेट्स ओपन इट। या खुल जा, दरवाज़ा खुल गया, अब इसे मैं निकालता हूँ। या सो ये निकल चुका है, इसे मैं फेंक देता हूँ। ये रहा इसकी बॉडी, बॉडी बिल्कुल फुल्ली प्लास्टिक की बनी हुई है। ये वुडन दिखने वाला पार्ट भी प्लास्टिक का है, ये वाला पार्ट भी प्लास्टिक का है, अंदर के थोड़े पार्ट मेटल के हैं। ये रहा आपके सेफ्टी ग्लासेस, जिसके ईयर पीस कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं। ओ, ईयर पीस एक्सपेंडेबल है भाई, ओ माय गॉड, पहली बार ऐसे ग्लासेस देख रहा हूँ भाई, दैट्स प्रीटी गुड। मैं इसे पहन लेता हूँ। हाँ, क्लियर विजन, विजन भी क्लियर है। मैं इसे साइड में रख देता हूँ। अब उठाते हैं इसका फ्यूल, इसमें क्या लिखा हुआ है, 220 लीटर्स फ्यूल, चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है, इनफ्लेमेबल लिखा हुआ है। इस साइड में ही सेम चीज़ लिखा हुआ है जैसे आपको पबजी में देखने को मिलता है ना, फ्यूल कैन मिलता है गाड़ी को रिफिल करने के लिए, वही चीज़ इस प्लास्टिक का दिया है हमें। मैं इसे ओपन कर लेता, मैंने इसे ओपन कर लिया है, इसे मैं साइड में रख देता हूँ। इसमें कुछ बीबीज है, इसे भी मैं साइड में रख देता हूँ। इसका कैप इधर है, इसे मैं रख देता हूँ। सो अब मैं उठाता हूँ इस पैन को। ये रहा पैन, जिसमें नहीं है कोई स्किन, लेकिन आपको मिलेगा यहाँ पर डार्क शूटिंग के लिए एक एरिया। लेकिन ऐसे पैन में कलर्स होते हैं, लेकिन इसमें कलर्स नहीं है। और सबसे काम की चीज़ है ये बैटल ग्राउंड्स पबजी, इधर आप अपने पैन को लगा के रख सकते हैं, ऐसे स्ट्रेट हो रहा है, देख लेता हूँ मैं, नहीं ऐसे, हाँ अब ठीक है। इसमें रख कर दिखा देता हूँ आपको, ये रहा, नीचे का व्यू देता हूँ आपको इससे। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये ट्राईपॉड। ये ट्राईपॉड बहुत ही बड़ा है, स्ट्रॉन्ग भी है, फुल फ्लेक्सिबल स्प्रिंग के साथ, और ड्यूरेबल भी है। मैं इसे साइड में रख देता हूँ। अब मैं निकालता हूँ इसका सप्रेसर। सो जैसा आपने देखा है उसके बैक में, उस गन के बैक वाले फोटो में, कि ये दोनों पार्ट्स को अपनों आपको निकालना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन पार्ट्स को ही निकाल दूंगा, ये पहला पार्ट, अब ये दूसरा पार्ट, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, नहीं सिर्फ एक पार्ट निकालना है।
सो मैंने एक पार्ट निकाल दिया। सो ये रहा सप्रेसर, बहुत सारे छेद है, असली सप्रेसर में और भी छेद होते हैं। सो अब मैं इसे मैगजीन को बाहर निकालता हूँ। तो ये रहा हमारा मैगजीन, मिल गया मैगजीन, बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है मैगजीन। यहाँ से आपको गोलियाँ भरनी पड़ेगी, फिर इधर घुसा देना पड़ेगा। सो अभी के लिए मैं इसे साइड में रख देता हूँ। सो लास्टली मतलब सेकेंड लास्टली मैं इस स्कोप को निकाला, स्कोप आ गया हाथ में, तो लाइव झींगा लाला। ये तो स्कोप मिलता है आपको ड्रॉप 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 में, लेकिन ये डायरेक्टली मेरे घर पे डिलीवर हो गया ये स्कोप। इस स्कोप में आपको मिलेगा ये वाला चीज़, जो है एक मैग्नीफाइंग ग्लास। इसे इस वाले बैरल को आप रोटेट भी कर सकते हैं, मैं आपको रोटेट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए रोटेट हो रहा है, अकॉर्डिंग टू रोटेशन इसका मैग्नीफाइंग ग्लास का पोजीशन भी चेंज होता है। सो मैं इसे फिर से रोटेट करता हूँ, देखिए ये पीछे चला गया। सो ये रहा इसका स्पेशल स्कोप, थोड़ा सा वेट भी है, मोस्ट प्रोबेबली 35 ग्राम्स का इसका वेट है। सो नेक्स्ट मैं निकालता हूँ इस स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले गन को। सो गाइज ये रहा वो गन, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर्स का साइज रखता है अगर सप्रेसर लगा दो तो। इसके बॉडी में वो स्क्रू लगाने की एरिया भी है, ये वाला पार्ट गलती से दे दिया होगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बॉडी का ये वाला पोर्शन भी बिल्कुल सही है। इसमें ट्राइपॉड लगाने की जगह नहीं थी भाई। ये वाला पोर्शन भी ठीक है, ये वाला पोर्शन भी ठीक है, ऑलराइट। अब रहा ये रिलोड का पोर्शन, रिलोड का पोर्शन ये वाला पोर्शन इधर रहता है, लेकिन ये वाला पोर्शन इधर है, फिर भी कोई बात नहीं। देखिए मैंने आपको कहा था इधर मेटल है, ये रहा वो मेटल पार्ट, अंदर भी बहुत सारे मेटल के पार्ट्स है जिससे ये फायर होता है। इसका बॉडी बिल्कुल प्लास्टिक का है, स्ट्रॉन्ग भी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल का बना है। इसका बॉडी एक बिल्कुल रियलिस्टिक दिखता है, बड़े काम की राइफ़ल है, लॉन्ग रेंज शूटिंग के लिए बहुत अच्छा है ये राइफ़ल। सो फटाफट से मैं इस राइफ़ल को असेंबल करता हूँ। राइफ़ल की फर्स्ट चीज़ होगी ये इसकी मैगज़ीन। ये रहा इसका बैक वाला पोर्शन, ये रहा वो छेद जहाँ से एक बुलेट्स आप अंदर डालेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बुलेट्स तो इधर से जाएंगे, मतलब आपको ये वाला पोर्शन फ्रंट में रखना पड़ेगा। मैं इसे घुसा देता हूँ इसके अंदर। सो गाइस मैंने इसे घुसा दिया है, आपको इस साइड को प्रेशर देकर इसे बाहर निकालना पड़ेगा अगर आप बाहर निकालना चाहते हैं तो। सो नेक्स्ट मैं लगाता हूँ, हे पीछे मत जा, इसका सप्रेसर। सो मैं सप्रेसर लाता हूँ, यह रहा सप्रेसर, मुझे इसे यहाँ पर घुसा देना पड़ेगा। या घुस जा सप्रेसर, अरे ये तो लूज़ हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे लाऊंगा, लाकर इसको अंदर भेज दूंगा, जा जी ले अपनी ज़िंदगी अंदर जाकर। सो गाइस मैंने इसे अंदर घुसा दिया है, अब इसको इस वाले पार्ट में भेज देना पड़ेगा। सो मैं इसे घुसाता हूँ या प्रेशर से। सो गाइज मैंने इसे घुसा दिया है और अब यह हो चुका है बिल्कुल 100 सेंटीमीटर के साइज़ का। मैं इसका आपको अपर लुक दे देता हूँ, ये दिखने में भी बहुत अच्छा है। सो नेक्स्ट आता है इधर स्कोप, मैं स्कोप को उठाता हूँ। दिखने में भी बहुत अच्छा है, मैं आपको इसका जूम भी दिखा देता हूँ। आई होप आप लोग देख सकते हैं,
ना अच्छा खासा जूम नहीं है, थोड़ा सा ही जूम है। आई होप यू कैन सी, दूर की ऑब्जेक्ट दिखा कर देखता हूँ। ये रही एक ऑब्जेक्ट, मैं इसको स्कोप से देखने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही ब्राइट है, देख नहीं सकते। जो भी हो, आप नॉर्मल लाइट से, मतलब कैमरे के बिना यहाँ पे लगा कर, अगर आप इस साइड से देखते हैं तो थोड़ा सा जूम होने वाला है, मतलब असली स्कोप का काम इसमें होता है। सो मैं फटाफट से इसे फिक्स कर लेता हूँ। सो गाइस, इसे फिक्स करने के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको ये स्क्रूज़। इस स्क्रू ओपन रखना पड़ेगा आपको। ओपन रखने के बाद ये जो ग्रिप्स है, इसके साइड से इसे घुसाना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे घुसा लेता हूँ। सो गाइस, मैंने इसे घुसा लिया है। आपके पसंदीदा पोजीशन में आपको इसे रखना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा और सामने कर लेता हूँ इसे, और लोकेशन ठीक ठाक है। अब आपको इसे अपसाइड डाउन करना पड़ेगा, और ये वाला जो स्क्रू है इसे टाइट कर देना होगा आपको। टाइट हो जा, इससे ये वाला पार्ट टाइट हो जाएगा और ये वाला स्कोप आपके यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। और ज़्यादा टाइट करने के लिए ये इसमें आप स्क्रू ड्राइवर्स भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब बड़े वाले, छोटे वाले से ये काम नहीं बनने वाला। सो गाइस, मैंने इन दोनों स्क्रूज़ को लगा दिया है। अब ये नहीं हिलेगा, स्ट्रॉन्ग बॉडी हो चुकी है फिर से। मैं यहाँ पर इसका बाईपॉड लगाता हूँ। बाईपॉड कहाँ है, ये रहा बाईपॉड। आई हैव द बाईपॉड इन माई हैंड। सो मुझे इसको इधर से घुसाना पड़ेगा या इधर से, ये वाला पार्ट छोटा है, मतलब मुझे इधर से घुसा कर यहाँ रखना पड़ेगा। सो मैं इसे घुसाता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाले साइड्स, इस वाले साइड से घुसाना पड़ेगा। सो गाइस, मैंने इसे घुसा दिया है बिल्कुल एकदम लास्ट तक। थोड़ा सा एरिया रखा है जिससे कि ये निकल ना जाए। सो इसकी बॉडी अब होती है कंप्लीट। सिर्फ एक चीज़ नहीं है, और वो है इसकी मैगजीन्स में बुलेट, जो मैं एक और वीडियो में, मतलब क्लिप में आपको दिखा दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके ट्राइपॉड को ओपन करता हूँ और इसे रखता हूँ और आपको एक लुक दे देता हूँ। सो गाइस, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस गन का एक क्लोजर लुक और इस पेन का। शूटिंग की भी एक